Hello everyone, today we will discuss about the Apert syndrome. Apert syndrome is also known as acrocephalosyndactyly. It is characterized by three classical triad, that is the craniosynostosis, hypoplasty of middle third of face and syndactyly of hand and feet. देखो इसका तीन करेक्टर है, इसको याद रखना है आपको। सेफर्स में ये दिया हुआ है, आप वहाँ से नोट्स पढ़ा सकते हैं, या फिर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं। @ लगा के आपको एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री सर्च करना है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि क्रेनियोसिनेस्टोसिस के मतलब क्या होता है। जो स्कल बोन है उसका प्रीमेच्योर मतलब फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। स्कल बोन का प्रीमेच्योर फ्यूजन हो जाएगा, उसको क्रेनियोसिनेस्टोसिस बोलेंगे। एंड हाइपोप्लास्टी ऑफ मिडिल थर्ड ऑफ फेस, जो मिडिल थर्ड ऑफ फेस है तो उसका हाइपोप्लास्टी यानी कि छोटा हो जाएगा साइज, जो सब फ्यूजन होना चाहिए नॉर्मली वैसा नहीं होगा, छोटा हो जा रहा है। एंड सिंडक्टाइली ऑफ हैंड एंड फीट, जो हाथ और पैर की उंगलियाँ हैं वो आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है, सिंडक्टाइली हो जाएगा। सिंडक्टाइली मतलब होता है फ्यूजन्स, ठीक है, फ्यूज हो जाएगा वो उंगलियाँ। उसके बाद इटियोलॉजी देखते हैं इसका। देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, म्यूटेशंस इन जीन कोडिंग FGFR2, याद रखना है FGFR2 में म्यूटेशंस होगा और क्रोमोजोम लोकस 10q25 है, ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आएंगे इसके आगे पार्ट। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ Apert सिंड्रोम। तो म्यूटेशंस हुआ FGFR2 जीन्स में, देन इसके वजह से इंक्रीज हो जाएगा ऑस्टोजेनिक प्रीकर्सर इंक्रीज होगा, देन उससे क्या हो रहा है, सबप्रेस्टियल बोन फॉर्मेशंस होगा और प्रीमेच्योर्स ओसिफिकेशन ऑफ क्लेवेरिया ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। तो ये क्लेवेरिया जो टर्म है उसका मतलब होता है जो टॉप पार्ट ऑफ द मस्कल है ना, उसका टॉप पार्ट को बोलते हैं क्लेवेरिया। इसका तीन बोन से बना होता है, देखो पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन और ओसिपिटल बोन, तीन बोन से मिलकर ये बना है, पैराइटल, ओसिपिटल और फ्रंटल बोन से मिलकर बना है क्लेवेरिया। याद रखना है कि टॉप पार्ट ऑफ स्कल का पार्ट है, ठीक है। तो उसमें प्रीमेच्योर ओसिफिकेशन हो रहा है फीटल डेवलपमेंट के समय, बस इतना ही इसके पैथोलॉजी है। क्लिनिकल फीचर देखो, हाई प्रीवलेंस वाज नोटिस इन एशियंस, एशियन में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मेल और फीमेल्स में सेक्स प्रोडक्शंस इक्वल है। ये न्यूनेटल्स प्रीमेच्योर फ्यूजन ऑफ सुचर्स, जिसको बोलते हैं क्रेनियोस्टेनोसिस, ठीक है। एंड एक्रोसिफाली एंड ब्रेकेसिफाली, ब्रेकेसिफाली के मतलब होता है जो जो लेंथ है फेस का, विड्थ और जो सॉरी लेंथ और विड्थ है उसका रेशियो ना चेंज हो जाएगा और छोटा हो जाएगा लेंथ। और एक्रोसिफाली का मतलब होता है जो आगे पोर्शन है वो कौन शेप में हो जाएगा, ठीक है। हाई प्रीडोमिनेंट हेड एंड हाई प्रोमिनेंट हेड रहेगा, ठीक है, हेड प्रोमिनेंट रहेगा। और ओसीपुट क्या होता है, यहाँ पर फ्लेट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे जाया जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है टर्म, आप इसके एनाटोमी में पढ़े होंगे, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा इसको डिस्क्राइब करते हुए चलते जा रहे हैं। इसके बाद एंड हेडिंग लॉस होगा, डोनवार्ड स्लैंटिंग पालपेब्रल फिशर्स, पालपेब्रल फिशर्स जो हुआ, देखो जो आईलिड का ओपनिंग ऑफ द आईलिड समझो कि उसको बोलते हैं पालपेब्रल फिशर, जो आईलिड का ओपनिंग है, ठीक है, उसको पालपेब्रल फिशर बोलते हैं। आप इसको चाहे तो डायग्राम देकर समझ सकते हैं। हाइपरटेलोरिजम्स, हाइपरटेलोरिजम्स के मतलब कि दो पार्ट के बीच में स्पेस बढ़ जाना, जैसे आई है, ठीक है, इतना स्पेस है तो यहाँ से थोड़ा सा आगे खिसक गया, मान लो कि ये आँख इधर आ गया है तो स्पेस बढ़ गया, उसको बोलते हैं हाइपरटेलोरिज्म। स्लो ऑर्बिट एंड ओकुलर प्रोप्टोसिस हो जाएगा। एक्जोप्थैलेमस, देखो यहाँ पर टर्म है एक एक्जोप्थैलेमस, इसको बोलते हैं, देखो इसका बहुत ही ब्लजिंग ऑफ आई, ब्लजिंग ऑफ आई को ऑल्सो नोन एज एक्जोप्थैलेमस, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि ब्लजिंग ऑफ आई लिख दो या फिर एक्जोप्थैलेमस लिख दो। नेजल ब्रिज डिप्रेशंस, बल्बस नेजल टिप रहेगा, इसके वजह से जो एक्सपीरियंस आएगा ये नोज का वो पेरोटोबिक लाइक एक्सपीरियंस देगा। सिंडक्टाइली ऑफ हैंड एंड फिट रहेगा, जिसका क्लासिक ट्राइड में आप बता चुके हैं, सिंडक्टाइली का मतलब फ्यूजन होता है। अगर हैंड के फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं मिटेंट हैंड, अगर पैर के उंगली के फ्यूजन होगा उसको बोलते हैं सॉक फीट, ओके। इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसमें रिटार्ड हो सकता है या फिर नॉर्मल्स भी रह सकता है। CBS पर क्या आएगा इसका इफेक्ट, सेप्टल डिफेक्ट, पेशेंट डक्टस आर्थरोसिस एंड पल्मोनरी एस्टेनोसिस, ये CBS पर आ जाएगा इसके। इसके बाद इसका ओरल मैनिफेस्टेशन देखते हैं क्या क्या आएगा ओरल पर, क्या क्या इसका। एक तो हाइपोप्लास्टी ऑफ मैक्सिला लीड टू द मिड फेस डिफिशिएंसी, जो कि क्लासिकल ट्राइड में हम इसको बता चुके हैं।
प्रोमिनेंट मैंडिबल रहेगा, मैक्सिला पीछे जा रहा है तो मैंडिबल आगे की तरफ देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स अगर मैक्सिला पीछे की तरफ आ रहा है मतलब छोटा हो जा रहा है तो लगेगा कि मैंडिबल बड़ा हो गया है, ठीक है। ड्रॉपिंग एंगल ऑफ आई ऑफ माउथ, माउथ के एंगल ऐसे कुछ तरह आ जाएगा, ड्रॉपिंग हो जाएगा। हाइपोप्लास्टिक लिप, देखो एक हाइपर प्लास्टिक लिप सॉरी हाइपोटोनिक लिप होता है और हाइपोटोनिक लिप होता है। हाइपरटोनिक लिप में क्या होगा, लिप पूरा ऊपर चला जाएगा और एक्सपोज हो जाएगा, गमी उसमें ना एक टर्म है गमी, आपको देखने को गमी स्माइल उसमें देखने को मिलेगा गम, ठीक है। और हाइपोटोनिक में इसका मसल्स ज़्यादा लूज हो जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये दो टर्म याद रखना। और डेंटल एनोमलीज, मालक्लूजन्स होगा, ठीक है। डिलेट एंड एक्टोपिक इरप्शंस ऑफ टू, एक्टोपिक इरप्शन अपने पोजिशन से हट के कहीं और आ जाएगा, एक्टोपिक इरप्शंस। सोवेल से इंसाइजर्स रहेगा, सुपरनंबरी टीथ रहेगा। सुपरनंबरी टीथ का मतलब होता है जो नॉर्मल सेट ऑफ टीथ है, ठीक है, 32 है, उसमें उस जगह कोई और टीथ आ जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा टीथ आ जाएगा, उसको बोलते हैं सुपरनंबरी टीथ। नेक्स्ट इसके बाद आएगा ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इट रिक्वायर्ड ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच विद द सर्जिकल प्रोसीड्योर इन स्टेज। तो पहले क्रेनियोस्टोमी क्या होता है, इसमें न्यूरोलर डेवलपमेंट होगा, न्यूरो मतलब जो एक तो रिटार्डेड हो रहा था, ठीक है, उससे ठीक करने के लिए क्रेनियोटोमी कर रहे हैं। एडवांसमेंट ऑफ मिडिल थर्ड ऑफ फेस एंड टू इम्प्रूव द नेजल एयर फ्लो। देखो एक तो छोटा हो जा रहा है जिसकी वजह से नेजल एयर फ्लो उसका बेटर नहीं था, उसको ठीक करना है। मिडिल वन थर्ड जो था हाइपोप्लास्टिक हो रहा है उसे ठीक करना है, उससे वजह से नेजल एयर फ्लो ठीक होगा। देन आता है कि उसका डेंटल रिलेटेड था, मालक्लूजन था, सुपरनंबरी था, एनेक्टोपिक डिलेड इरप्शन था, उसके लिए आपको ऑर्थोगनेटिक सर्जरी करेंगे और उसका डेंटल एनोमली जो भी था उसको ठीक करना है, ओके। नर्व सर्जिकल ट्रीटमेंट में FGR काइनेज डोमिनेंस को टारगेट करेंगे और उससे नर्व सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो सबसे पहले के म्यूटेशन हो रहा था FGFR2 उसके काइनेज डोमेन में टारगेटिंग कर रहे हैं। देखो यूजिंग सेलेक्टिंग इनहिबिटर्स दैट इज टारगेटिंग द FGR काइनेज डोमेन्स, इसके वजह से वो ठीक हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में यहाँ तक ही बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल पर हमारा नोट्स अवेलेबल है एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री, @ लगा के एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री आप सर्च मारेंगे वहाँ मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, या आपको कोई नोट्स चाहिए या फिर आपको कोई टॉपिक पर लेक्चर चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स करके बताइए, फिर टेलीग्राम पर बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, ईमेल पर बता सकते हैं, कहीं पर भी आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।